तो आज के आपके टाइम टेबल में आपको पता होगा कि मैं आने वाला हूँ यहाँ पे। हाँ, अच्छा। और क्या करने वाला हूँ यहाँ आकर के, ये भी पता होगा क्या करने वाला हूँ। लिखा हुआ था उसमें फिजिक्स पढ़ाएंगे, ऐसा लिखा हुआ था। तो आपने अपना टाइम टेबल नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं लिखा होगा। क्या फिजिक्स बाय एचसी, फिजिक्स बाय एचसी वर्मा लिखा है? अच्छा, चलो ठीक। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ भी करो ना, कैसा ऐसा है कि कुछ भी करो तो फिजिक्स से छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि फिजिक्स, जिसको फिजिक्स नाम दे दिया गया है। अच्छा, नाम के कौन दे देता है ये सब? किसी चीज़ को फिजिक्स बोल देते हैं, किसी चीज़ को केमिस्ट्री बोल देते हैं, किसी चीज़ को साइंस बोल देते हैं, किसी को गणित बोल देते हैं। ये नाम कौन देता है? ये ईश्वर ने बना के भेजे थे क्या नाम? हम ही लोगों ने बनाए हैं। ईश्वर ने तो एक ही दुनिया बनाई, हमने उसके अलग अलग नाम कर दिए कि ये हिस्सा ये कहलाएगा, वो हिस्सा वो कहलाएगा, वो हिस्सा वो कहलाएगा। तो ये सब हमारे ही दिए हुए नाम है। लेकिन हम लोग जिसको कहते हैं फिजिक्स, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आप बताइए। जिसको फिजिक्स कहा जाता है उसमें किस किस, कौन कौन से विषय आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके अंदर में? ये आता है क्या कि बाबर के पिताजी का क्या नाम था? नहीं आता है। अच्छा, तो क्या आता है? मोशन आता है। अच्छा हाँ, मोशन आता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, मैग्नेटिज्म आता है, लाइट आती है, लाइट आती है, ग्रेविटी आती है, ऑप्टिक्स आता है, रोटेशंस आते हैं, साउंड आता है, एकॉस्टिक साउंड आता है, और क्या आता है? और कुछ आता है? किसका? हर चीज के पीछे लॉजिक वो आता है। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जितने भी आपने नाम बताए, जितने भी आपने नाम बताए। फोर्स का आपने नाम बताया, फोर्स के बिना रह सकते हो क्या? दिन भर फोर्स लगाते ही रहते हो ना? और ये तुम लगाते रहते हो या तुम पर कोई लगाता रहता है? लगाता ही रहेगा। मोशन के बिना काम हो सकता है क्या? कितनी देर बैठोगे? मूव तो करना पड़ेगा ना, तो मोशन तो होना ही पड़ेगा। हाँ, और क्या बताया था? लाइट, लाइट के बिना काम चलने वाला है क्या? नहीं ना, नहीं देख सकोगे तो लाइट के बिना भी काम नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि वो अपने जीवन में सभी को उसके साथ में वास्ता पढ़ना ही पड़ना है। ये नहीं कि हम तो भाई फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, हम तो इतिहास पढ़ते हैं, हमें फिजिक्स से क्या मतलब है? मतलब तो रखना ही पड़ेगा ना, मोशन तो करना ही पड़ेगा, बिजली तो लगानी ही पड़ेगी, लाइट से तो देखना ही पड़ेगा। तो फिजिक्स से सभी को रहना पड़ता है। तो फिजिक्स जो है वो अपने जीवन की चीज़ है, अपनी ज़िंदगी की चीज़ है। जो यहाँ पे शिक्षक लोग फिजिक्स के दूसरे विषय वाले हैं वो ईर्ष्या न करें, क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब तो हमारे दिए हुए नाम है। प्रकृति एक ही होती है, उसी प्रकृति के सब अलग अलग अंग होते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि ये विज्ञान का विकास कैसे होता है, ये आया कैसे, लोगों को इतना कैसे पता चल गया कि लाइट में ये होता है, इलेक्ट्रिसिटी में वो होता है, मैग्नेट में ये होता है, ऐसे फोर्स लगता है, ऐसे मोशन होता है, ये सब जो विज्ञान की इतनी सारी बातें होती हैं कहाँ से पता चल जाती हैं? कौन पता करता है? कौन पता करता है? साइंटिस्ट लोग पता करते हैं, है ना? तो ये साइंटिस्ट लोग कौन होते हैं? ये साइंटिस्ट लोग कैसे होते हैं? सभी लोग क्यों नहीं पता करते हैं? कुछ ही कुछ साइंटिस्ट क्यों होते हैं? कितने साइंटिस्ट के नाम पता हैं आपको? एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, इसाक न्यूटन, एडिसन, टेस्ला, आर्किमिडीज, रॉबर्ट हुक, हाँ, न्यूटन, आइज़क न्यूटन बोला अभी, गैलीलियो, विक्रम साराभाई, फाइनलैंड, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विक्रम साराभाई,
एक भारतीय आया एडिसन, हाँ बोला एडिसन, होमी भाभा दूसरे भारतीय आए, सी वी रमन तीसरे भारतीय आए, एपीजे अब्दुल कलाम चौथे भारतीय आए। तो ऐसे कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो साइंटिस्ट कहलाते हैं, और लोग कुछ ना कुछ नई नई ढूंढ करके, नए नए नियम, नई नई चीज़ें ढूंढ करके लेकर के आते हैं, है ना। अच्छा, एक साइंटिस्ट होते हैं और एक इंजीनियर होते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंजीनियर क्या करते हैं? साइंटिस्ट जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, नए नियम ढूंढते हैं, प्रकृति के नए नियम ढूंढते हैं। और इंजीनियर्स जो होते हैं उन नियमों के आधार पर चीज़ें बनाते हैं जो हमारे काम आती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा, तो साइंटिस्ट लोगों की कैसी, उनके कितने हाथ होते हैं और आँखें कितनी होती हैं और कान कितने होते हैं और नाक कितनी होती है, फिर भी वो साइंटिस्ट होते हैं। हमारे पास भी वो सब कुछ है। दिमाग कितना होता है उनका? एक ही होता है ना, हमारे पास भी एक ही होता है। उनका जो दिमाग होता है वो क्या हमारे दिमाग से अलग किस्म का होता है? अलग किस्म का भी नहीं होता है, हमारे ही जैसा दिमाग उनका भी होता है। तब जो देश काल परिस्थिति है, है ना, जो देश काल परिस्थिति है उसके अनुसार किस तरह के समाज में वो रहते हैं, किस तरह के परिवार में रहते हैं, आसपास क्या हो रहा है, उन सब के आधार के ऊपर संयोग भी होते हैं बहुत सारे। उनसे कोई साइंटिस्ट हो जाता है, कुछ नई चीज़ें खोजता है, कुछ और कुछ खोजता है। तो आज जो हम यहाँ पर आपसे बात करना चाह रहे हैं वो दो तीन साइंटिस्टों की बात करेंगे हम मुख्य रूप से, बीच बीच में और भी कई नाम आ जाएंगे, और रोशनी की बात करेंगे, है ना, लाइट की बात करेंगे। तो हमने इसका टाइटल रखा है रिसर्च स्टोरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। हाँ, अब देखो, अपने यहाँ भारत में बहुत पुराने ज़माने से और बहुत सारे सिद्धांत चलते हैं, बहुत सारे दर्शन चलते हैं, फिलॉसफीज चलती हैं। तो छह मुख्य रूप से कही जाती हैं, उनमें से एक है उसको न्याय कहते हैं और दूसरी है उसको वैशेषिका कहते हैं। और इनकी ये दर्शन, ये फिलॉसफीज कब बनी थी तो उसका कुछ पता नहीं है, कितने हज़ार साल पहले बनी थी। जो अभी अपना ईसा का के जन्म से चलता है ना, अपना ईसा से का संवत चलता है 2018, तो ईसा के भी और पहले से, जिस समय अपने यहाँ वेदों की रचना हुई थी, जिस समय अपने यहाँ उपनिषदों की रचना हुई थी, उन सब समय से और ये फिलॉसफीज़ हैं, ये दर्शन हैं। तो उसमें से दो ऐसे दर्शन हैं, न्याय और वैशेषिका, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ में काफ़ी जुड़े हुए भी हैं, और उसमें बहुत सारा साइंस की बात की गई है, बहुत सारा विज्ञान की बात की गई है। तो वो न्याय वैशेषिका कहते हैं दोनों को मिला करके। और आपने ऋषि कणाद का नाम सुना हुआ है कहीं? तो कुछ लगा है पोर्ट्रेट वगैरह कहीं लगा है ऋषि कणाद का यहाँ विद्यालय में? नहीं, नीचे लगा है। हाँ, तो जो ऋषि कणाद थे तो उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने मुख्य रूप से जो विश्व बना हुआ है वो एटम्स से बना हुआ है, कणों से बना हुआ है, सबसे जो छोटे कण हैं वो परमाणु कहलाते हैं, उससे जो दो मिलकर के तीन बन करके बनते हैं वो फिर अणु बनते हैं। तो इस प्रकार की रचना ये ऋषि कणाद ने विचार की थी, सोची थी, और उसके आधार के ऊपर विश्व कैसा है उसको उन्होंने बताने की कोशिश की थी। उसके बाद उनका जो कुछ उनका लिखा हुआ है कणाद का, उसको 14वीं शताब्दी में एक प्रशस्त पाद करके अपने यहाँ बहुत मूर्धन्य विद्वान हुए थे, उन्होंने उसको पूरा एक्सपैंड किया, उसको बढ़ाया, उसको विस्तार पूर्वक लिखा और अपनी तरफ से उसमें बहुत सारी टीका टिप्पणी उसका विस्तार से समझा करके लिखा। कणाद ने जो लिखा हुआ है बहुत सूत्र रूप में है, बहुत कंडेंस्ड रूप में है, तो लेकिन उसके बाद उसकी व्याख्या करके उसको और बड़ा करके ये प्रशस्त पाद ने उसको फैलाया है। तो उनमें से जो चीज़ें रोशनी के संबंध में हैं उस दर्शन में, उनके राइटिंग्स में, और उसमें से कुछ चीज़ें हैं कि लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में कहा गया कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, जो लाइट आती है
वो उसके कण आते हैं, है ना, क्योंकि पूरा ऋषि कणाद का पूरा दर्शन जो है वो कणों पर आधारित है। तो जो रोशनी के लिए भी उन्होंने वर्णन किया है वही वर्णन किया है कि रोशनी के भी कण होते हैं। लेकिन जहाँ बाकी विश्व के लिए उन्होंने अणु परमाणुओं की बात की है, रोशनी के लिए उन्होंने कहा है कि इसके जो कण होते हैं उसमें अणु परमाणु नहीं होते, इसके कण तो हैं लेकिन इसमें मटेरियल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय में उन्होंने, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि भाई फोटॉन्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन वो फोटॉन्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं, उस तरह की बात यहाँ पर वो की गई थी। स्ट्रेट लाइन्स में चलते हैं, जहाँ से भी वो निकलते हैं वहाँ से सीधी रेखाओं में चलते हैं, विथ इनकंसीवेबल स्पीड्स, बहुत तेज स्पीड से चलते हैं। ये सब प्रशस्तपाद ने जो लिखा है वैशेषिका का, उसके अंदर में से उठा करके हम बता रहे हैं आपसे। और जो मटेरियल है, उस मटेरियल में जो अणु परमाणु हैं उनके बीच में जो खाली स्थान है, हाँ, आजकल केमिस्ट्री की किताबों में ये होता है, आठवीं नवीं की किताबों में, कि जो अणु होते हैं मटेरियल में उसके बीच में खाली स्थान होता है, और दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि आप पानी ले लो, गिलास में पानी ले लो और उसमें नमक घोल दो, तो नमक जो है वो गायब हो जाता है। कहाँ गया नमक? तो अणुओं के बीच के स्थान में घुस गया, ऐसा केमिस्ट्री की किताब एनसीईआरटी की जो है उसमें लिखा है, और भी बाकियों में लिखा होता है। लेकिन यहाँ वैशेषिका के अंदर में, न्याय वैशेषिका के अंदर में इसकी चर्चा हो रही है कि जो एटम्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस में से होकर, जो जगह है उसमें से होकर के ये रोशनी जा सकती है, यानी मटेरियल के अंदर से चल सकती है, जैसे शीशे के अंदर चलती है, पानी के अंदर चलती है, प्लास्टिक होता है उसके अंदर चलती है, तो उस स्पेस में से होकर के रोशनी चल सकती है। और इसी के कारण से कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिनके अंदर से रोशनी ऐसा चल सकती है खाली स्थानों में से, वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, और जिनमें से नहीं चल पाती है और ज़्यादा इधर उधर टकराती हैं कणों से, वो ट्रांसलूसेंट होते हैं या ओपेक हो जाते हैं। ये सारी चर्चाएं उस दर्शन के अंदर में अपने को मिलती हैं, और जब वो एटम के कणों के सरफेस से जब टकराती हैं तो वहाँ से वो वापस लौट जाती हैं, रिफ्लेक्शंस होता है। और ये सारा मुझे कहाँ से पता चला? मैंने उनका प्रशस्तपाद का या कणाद का तो नहीं पढ़ा है और पढ़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो संस्कृत में है सारा। तो जिन विद्वान लोगों ने उसको पढ़ा है और उसके बाद उस पर आर्टिकल लिखे हैं, तो ये है, ये मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली के पब्लिशर्स हैं, इनकी किताब है ये, दी पॉजिटिव साइंसेस ऑफ द एंशिएंट हिंदूज, ये यहाँ से प्रसिद्ध है ये, इनके ऑथर हैं बी सील, और 1958 में ये पब्लिश हुई थी, अभी भी उपलब्ध है। इस किताब को अगर पढ़ें तो आपको अंग्रेज़ी के अंदर में प्रशस्तपाद ने और कणाद ने जो लिखा है वो सब मिल सकता है। चल नेक्स्ट चले। इसी तरह से जो स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत तेज़ चलती है, आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी तेज़ चलती है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, इसके लिए भी एक सायन विद्वान है जिन्होंने कि ऋग्वेद के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी है, अपनी व्याख्या लिखी है 14वीं शताब्दी के अंदर में, तो उनके अंदर में एक ऐसा श्लोक आता है, जिस श्लोक का अगर आप हिंदी करें या अंग्रेज़ी करें तो वो उसको प्रणाम करते हैं, उनको वो प्रणाम करते हैं जो आधे निमिष के अंदर में 2200 योजन चलते हैं, और इसको जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 3×10^8 मीटर पर सेकंड ये निकल करके आता है। तो अर्थात तो ये जो ऋग्वेद के अंदर में चीज़ें हैं जिसकी कमेंट्री सायन ने की है 14वीं शताब्दी के अंदर में, तो एटलीस्ट सायन को तो के समय तो ज़रूर ही ये बातें रही होंगी कि ये इतना स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इतना होती है। अब 3×10^8 मीटर कितने किलोमीटर हुआ? 3×10^5 किलोमीटर, 3×10^8 मीटर्स है, तो 10^5 3×10^5 उसको क्या बोलते हैं छोटे में? 300,000 10^5 एक के ऊपर 5 बार 0 लिखो तो वो 100,000 हुआ, 3×5 लिखो तो 300,000 हुआ, 300,000 किलोमीटर एक सेकंड में, लाइट जो है एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर चलती है। तो वो जो श्लोक आपने देखा, उस श्लोक के अंदर में
यही निकल करके आता है कि हम उसको प्रणाम करते हैं जो आधे निमिष में 2202 योजन चलता है, और योजन का कितना मीटर होता है वो कन्वर्ट करें, निमिष का कितना सेकंड होता है वो कन्वर्ट करें, और तब उसकी स्पीड निकालें, तो वो स्पीड जो है वो 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की आती है। और आज हम सबको पता है, आज हम सबको पता है कि लाइट की स्पीड इतनी होती है। तो उस समय में हमारे जो वैज्ञानिक रहे होंगे सायन के ज़माने में या ऋग्वेद के ज़माने में, उन लोगों ने ये सारी स्पीड जो है वो निकाल करके रखी हुई है। नेक्स्ट, अब इधर के ज़माने में आ जाएं, जो हमने हज़ारों साल पहले का इतिहास बताया, 600 साल पहले का इतिहास बताया, उस समय की बहुत सारी जानकारियां अपने पास नहीं हैं। तो जो जहां से जानकारियां अपने पास हैं उधर से चले आएँ, थोड़े से मॉडर्न इसमें चले आएँ, तो ये भी कम पुराने नहीं है। यूक्लिड, यूक्लिड का नाम सुना है आप लोगों ने? यूक्लिड का, अच्छा कहाँ सुन लिया? मैथ्स में सुन लिया। अच्छा, क्या कैसे थे ये यूक्लिड, क्या करते थे? इन्होंने क्या निकाला था? एसजीएम, एक्सियम्स, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। अच्छा अच्छा, तो ये जो है यूक्लिड, वो ज्योमेट्री के बहुत ज़बरदस्त ज्ञाता थे, ज्योमेट्री, ज्यामिति जिसको कहते हैं, उसके बहुत ज़बरदस्त ज्ञाता थे। उन्होंने 13 खंडों में किताब लिखी है जिसको कहते हैं दी एलिमेंट्स, दी एलिमेंट्स। और उसके अंदर में उन्होंने, जैसे आप एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स कह रहे हैं, जैसे बहुत सारे एक्सियम्स लिखे हैं ज्योमेट्री के, और उन एक्सियम्स से बहुत सारे फिर थियरम्स और उसके कॉरोलरीज वो सब करी हैं, और ढेर सारी ज्योमेट्री की हुई है, वृत्त के बारे में, त्रिभुज के बारे में, कोण के बारे में, बहुत ज्योमेट्री की हुई है। और जो उन्होंने उस समय की थी, देख लो कब के हैं ये, बिफोर क्राइस्ट है, 2000 साल, तो 2018 साल तो आफ्टर क्राइस्ट हो गया, उसके और पहले के हैं ये, करीब करीब 300 साल और पहले के। वो जो उन्होंने ज्योमेट्री लिखी है, वही ज्योमेट्री समझो तब से लेकर के अब तक टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती है। वही ज्योमेट्री जो है पूरे दुनिया के अंदर में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती है, ऐसे इनका है ये। हाँ, ये पीछे जाना जरा, ये ज्योमेट्री की जो इनकी इतनी ज़बरदस्त बात है, वो उसके पहले एक ही जगह और आप ज्योमेट्री की चर्चा सुन सकते हैं जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त ज्योमेट्री की गई है, और वह है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र का नाम सुना है आपने? क्या होते हैं? वेदों में जगह जगह यज्ञ करने को कहा गया है, ऐसा हो जाए तो इसके लिए ये यज्ञ करना है, वैसा हो जाए तो ये यज्ञ करना है, वैसा हो जाए तो वो यज्ञ करना है। और यज्ञ की जो वेदियां बनानी है वो बहुत कठिन कठिन उसके वर्णन है कि ऐसी वेदी बनानी है, इस वाले यज्ञ के लिए ऐसी वाली बनानी है, उस वाले यज्ञ के लिए वैसी वाली बनानी है। वो वेदियां कैसे बनाएं, उन्होंने तो लिख दिया ऐसी वेदी बना दो, लेकिन वो बनेगी कैसे, उसके लिए फिर ये शुल्ब सूत्र नाम के समझो यूज़र मैनुअल है ये, जिसमें बताया गया कि ऐसे रस्सी लगाना, फिर वैसा ये करना, यहाँ ऐसा नापना, यहाँ इसके इतने भाग करना, तब वैसी वेदी बनेगी। तो उसको शुल्ब सूत्र कहा जाता है, वेदों के समय का ही ये है। उसकी ज्योमेट्री भी बहुत ज़बरदस्त है, उसमें जो उन्होंने ज्योमेट्री बनाई है, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ हो तो उतने ही क्षेत्रफल का एक आप स्क्वायर कैसे बनाओगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ज्योमेट्री उसके अंदर में है। और शुल्ब सूत्र के बाद फिर ये यूक्लिड दूसरे आते हैं जो कि ज्योमेट्री की बात करते हैं। और यूक्लिड ने हम चीज़ों को देखते कैसे हैं इसके बारे में बड़ा शोध किया हुआ है। हमने यूक्लिड को इसलिए लाया है, हम तो प्रकाश का स्टोरी बता रहे हैं ना, रोशनी की स्टोरी बता रहे हैं आपको, लेकिन यूक्लिड को हम इसलिए लाए हैं कि ज्योमेट्री के अलावा इन्होंने अपने ज्योमेट्री के ज्ञान का बहुत सारा उपयोग करके और चीज़ें दिखती कैसे हैं इसके लिए बहुत अध्ययन किया हुआ है। और फिर से उन्होंने वो कुछ 7 उन्होंने एक्सियम्स माने हैं, और 7 एक्सियम्स मान करके और फिर उसमें से 36 थ्योरम निकाले, और वो जो जो कुछ है
उन सबको फिर इन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है और ट्रांसलेटेड चीज़ें उपलब्ध हैं यहाँ पर इस जगह पर, आप ढूंढेंगे इस जगह से यहाँ पर इस जर्नल के अंदर में वो छपा है 1945 में और वो उपलब्ध है, उसको उसमें से आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या 36 चीज़ें यूक्लिड ने निकाली हुई हैं। नेक्स्ट में आओ, अब ये देखो आप जो उसमें से हमने तीन शुरू वाली तीन यहाँ पर लिखी हुई हैं, 36 में से शुरू वाली तीन यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप लिखने की कोशिश मत करो, आप अपने नोटबुक पर, क्या लिखने को कहा गया है क्या इनको? हाँ, आप लिखने की कोशिश मत, लिखोगे तो फिर सुन नहीं पाओगे और सोच नहीं पाओगे, तो आप कहानी सुनो, है ना, हम कहानी जैसे सुनते हैं वैसे कहानी सुनो। ये पूरी PPT उपलब्ध है, ये पूरा जो यहाँ स्लाइड्स आप देख रहे हैं ना, ये सारी स्लाइड्स उपलब्ध हैं, हम यहीं छोड़ जाएंगे, आपके शिक्षक कॉपी कर सकते हैं और आप कभी भी इसको देख सकते हैं, उतार सकते हैं चीज़ों को, ओके। अब उनके उसमें जो मुख्य जो एक्सियम्स हैं या उन्होंने जो शुरू में माने हैं अजम्पशंस, वो ये हैं कि हमारी आँखों से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँखों से किरणें निकलती हैं, हमारी आँखों से किरणें निकलती हैं, और वो जो किरणें होती हैं वो जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। यूक्लिड यहाँ से शुरू करते हैं, और जो किरणें निकलती हैं वो कंटिन्यूअस नहीं है, एक निकलेगी फिर दूसरी निकलेगी तीसरी निकलेगी, ऐसे निकल रही हैं एक साथ लेकिन ऐसे फैल रही हैं, ऐसे आगे फैल रही हैं। तो अब उसके बाद जैसे उन्होंने एक ये लिखा है, नथिंग दैट इज सीन एट वंस इन इट्स एंटायरिटी। आप जो चीज़ देख रहे हैं, आप ये बोर्ड को देख रहे हैं तो आप पूरा बोर्ड एक साथ नहीं देख रहे हैं, आप ये पूरा बोर्ड एक साथ नहीं देख रहे हैं। अगर आप इस टॉर्च को देख रहे हैं तो आप पूरी टॉर्च को एक साथ नहीं देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी आंख से जो किरणें निकल रही हैं, मान लो 10,000 किरणें निकल रही हैं, जो इधर उधर पड़ गई उसको छोड़ दो, जो इसके ऊपर पड़ रही हैं तो 10,000 जगह पर ही इसको हिट करेगी ना। अगर इतनी दूर के अंदर में 10,000 किरणें निकल रही हैं तो वही 10,000 हिट करेंगी, तो वो जो 10,000 बिंदु होंगे आप सिर्फ उन 10,000 बिंदुओं को देख रहे हैं और बाकी के चीज़ को आप नहीं देख रहे हैं, तो पूरे को आप एक साथ कभी नहीं देखते हो। तब आंखें जो हैं वो बहुत तेज़ी से आप घुमा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी आंख जो है वो बहुत तेज़ी से हिल सकती है, और वो हिलेगी तो वो जो 10,000 किरणें अभी यहाँ हैं अभी यहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी, तो आप कभी ये वाले 10,000 बिंदु देखोगे, कभी दूसरे वाले 10,000 बिंदु देखोगे, कभी तीसरे वाले 10,000, और ये सब इतनी जल्दी होगा कि आपको लगेगा कि आप पूरे को एक साथ देख रहे हो, लेकिन आप पूरे को एक साथ नहीं देख रहे हो। तो इस तरह के उन्होंने शुरू में जो अपना एक एजम्पशंस मान लिया कि हम देखते तब हैं जबकि हमारी आंखों से निकली किरणें वस्तु पर पड़ती हैं, उसके आधार पर फिर वही ज्योमेट्री में जैसे उनका एक्सियम है और फिर उसमें से डिडक्शन है, तो उसी तरीके से थ्योरम्स हैं, उसी तरीके से ये लिखा उन्होंने, ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड नियर बाई, जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर सीन मोर क्लियरली देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल साइज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है एक ही साइज का, ये नज़दीक है ये दूर है, आँख यहाँ है, तो आँख से आप देखो जो दूर वाली है उसमें जितनी किरणें पड़ रही हैं, नज़दीक वाली पर उससे ज़्यादा किरणें पड़ रही हैं, ये एक्स्ट्रा किरणें हैं ना, ये एक्स्ट्रा किरणें हैं, तो इतनी ही दूर के ऊपर कम किरणें पड़ रही हैं, यहाँ इतनी ही दूर के ऊपर बराबर दूरी है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, लेकिन ज़्यादा किरणें पड़ रही हैं, तो जिस पर ज़्यादा किरणें पड़ती हैं वो ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है। तो ये उन्होंने निकाला कि जो नज़दीक की चीज़ होगी वो ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगी और उसी चीज़ को आप बहुत दूर कर दोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की 36 चीज़ें इन्होंने निकाल करके रखी हुई हैं, तो समझो जो अपनी प्रकाश की शोध कथा है वो मॉडर्न जमाने में यहाँ से शुरू होती है। आओ नेक्स्ट। हाँ ये भी है कि बहुत दूर कर दोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया है कि बहुत दूर अगर कर दोगे आप तो दो किरणों के बीच की जो जगह है वो बढ़ती जाती है ना, अगर यहाँ से एक किरण ऐसे जा रही है और एक किरण ऐसे जा रही है, जितना दूर जाओगे उतना ये गैप बढ़ता जाएगा, तो बहुत दूर चले जाओ छोटी वस्तु को बहुत दूर ले जाओ तो हो सकता है कि वो उस गैप में ही आ जाए, उस गैप में ही आ जाएगा तो एक भी किरण नहीं पड़ेगी,
इसलिए अगर 10-15 किलोमीटर दूर की चीज होगी तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगी, नहीं भी दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके से ये है गैलीलियो, है ना, ये है गैलीलियो। और ऑप्टिक्स में या लाइट में इनका जो योगदान है वो टेलीस्कोप बनाने का है, क्योंकि टेलीस्कोप बनने के बाद से हम रोशनी से और ज़्यादा दूर की चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाए, तो उसके लिए है। तो जो चश्मा बनाने वाले लोग थे, जो चश्मा बनाते थे वो था गैलीलियो के, पहले से चश्मे बनते थे, शीशे बनते थे चश्मे के, लेंसेज बनते थे, और उसी में से कुछ एक लेंस दूसरा लेंस आसपास रखने से चीज़ें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, इस तरह के खिलौने भी बाज़ार के अंदर में उपलब्ध थे। तो साधारणतः उनके कारण जो टेलीस्कोप उस तरह का, जो एक लेंस रख दो दूसरा लेंस रख दो, जो चश्मे में लगते हैं एक डब्बे में रख दो, तो उससे एक दोगुना तीन गुना तक बड़ी चीज़ें दिखाई पड़ती थी, तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन गैलीलियो ने इस चीज़ को समझ करके और फिर इसके आधार के ऊपर अपने टेलीस्कोप बनाए, और वो उनके टेलीस्कोप करीब 20 गुना 25 गुना तक उसको बड़ा कर सकते थे, और उसके कारण से उन्होंने चंद्रमा की और एस्ट्रोनॉमी की बहुत सारी चीज़ें ढूंढ करके निकाली। हाँ चलो, ये गैलीलियो के अपने बारे में थोड़ा सा जब नाम आ गया है, तो हालांकि इनकी अपनी पूरी शोध कथा इन्हीं के ऊपर कही जा सकती है जैसा इनका जीवन है, लेकिन थोड़ा सा ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे और प्रीस्ट बनना चाहते थे, चर्च में प्रीस्ट बनना चाहते थे, लेकिन पिताजी ने इनको नौकरी वोकरी अच्छी मिले, पैसा वैसा अच्छा मिले तो पढ़ लिख लो, वो पुरोहिती करके कितना कमाओगे टाइप, तो उनको भेजा इसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में भेजा, और मेडिकल पढ़ने के लिए भेजा। ठीक है ना, किसको किसको मेडिकल पढ़ना है? हाँ देखो, एक को मेडिकल, अरे एक ही को मेडिकल पढ़ना है, अरे हम लोग बीमार पड़ेंगे तो इलाज कौन करेगा? कुछ लोगों को तो मेडिकल पढ़ना चाहिए ना। हाँ चलो, एक और मेडिकल पढ़ने वाला मिला, ठीक है। हाँ एक और मिला। तो मेडिकल जो है और इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी लोग उसके लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं, अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, मेडिकल में एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा, और उसमें भी मेडिकल तो और भी अच्छा, इंजीनियर को तो फिर भी जॉब ढूंढना पड़ता है, मेडिकल वाले तो कहीं भी अपनी दुकान खोल सकते हैं, डॉक्टर का लाल रंग का क्रॉस लगाना है उनको और दुकान खोल लेना है, फिर दुकान अपना चलाएंगे किसी न किसी प्रकार से। तो पिताजी ने उनका मेडिकल में एडमिशन कराया था और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, और कहते हैं कि एक दफ़ा ये जो ये लगे ना ये झूमर, तो इस तरीके का झूमर कहीं लगा हुआ था उनके, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन हो रहा था या कुछ हो रहा था, तो हॉल के अंदर में ऐसे ही झूमर लगा हुआ था, और हल्की हल्की हवा चलने के कारण से बीच बीच में वो झूमर जो है सो ऐसे घूमने लगता था, चलने लगता, हिलने लगता था हवा के कारण से, तो कभी वो धीरे धीरे हिलता था और कभी वो हवा ज़रा ज़्यादा हो जाए तो ज़ोर ज़ोर से भी हिलता था। तो वो बैठे बैठे अपनी हार्ट बीट, हाँ दिल की धड़कन, वो तो उसका तो रेट फिक्स्ड है, नब्ज का आप पकड़ो तो एक मिनट में कितना बार चलनी है उतने बार चलेगी, जिसकी 72 चलनी है उसकी 72 चलेगी, जिसको बुखार है उसकी 100 चलेगी तो 100 चलेगी बहुत देर तक, ठीक ना। तो वो जो दिल की धड़कन है उस धड़कन से उन्होंने उस झूमर का और कितना समय लग रहा है उसको एक पूरा चक्कर करने में उसको वहीं बैठे बैठे कैलकुलेट किया, और उनको बहुत आनंद इस बात में आया कि जब झूमर हल्का हल्का हिलता है तो भी उतना ही सेकंड लगता है, और जब वो तेज तेज हिलता है तो भी उतना ही सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ जाके यहाँ आने में 10 चक्कर करने में, मान लो 10 राउंड करने में, तो धीरे धीरे हिलता है तो भी उतना ही टाइम लेता है, और जोर जोर से हिलता है तो भी उतना ही टाइम लगता है। तो ये जो उन्होंने नापा, उस समय घड़ी नहीं हुआ करती थी, ये सब घड़ी नहीं हुआ करती थी उस समय में, तो लोग पेंडुलम भी इसके बाद ही आया था, बल्कि इनका ही योगदान है, वो पेंडुलम घड़ी बनाना इन्होंने ही शुरू किया था, वहाँ से इनको मेडिकल छोड़ करके और फिजिक्स में आ गए। वहाँ से उन्होंने फिजिक्स पकड़ लिया और फिजिक्स में बहुत सारा कुछ किया, और एक बहुत प्यारी कहानी है, फिर कभी मौका मिलेंगे तो बताएंगे, उस कहानी का जो शीर्षक होगा वो होगा एंड येट इट मूव्स। हाँ सुना हुआ है आपने? हाँ ये
येट इट मूव्स, हाँ फिर भी ये चलती तो है। हाँ ये बड़ी प्यारी कहानी है, तो इसको फिर कभी करेंगे। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आ गए ये दो जनों का, हमने एक साथ नाम लिखा है यहाँ पे, सर आइजक न्यूटन और ये है क्रिश्चियंस हाइगेंस। ये न्यूटन है और ये हाइगेंस है, दोनों ने अपने खूब बड़े बड़े बाल बना करके रखे हुए थे, दोनों वैज्ञानिकों ने अपने बड़े बड़े बाल बना कर रखे। रीजन क्या था सर? बाल रखने का फैशन था। अब तुम लोग का फैशन है कि यहाँ से इतने बाल कटवा देने हैं, हाँ बीच में थोड़े से रखने हैं और किनारे वाले कटवा देने हैं, तो वैसे उस समय का फैशन था कि वो उस तरीके का रखना। इनका टाइम देखना, ये 1643 ईस्वी का जन्म है इनका, 1727 ईस्वी की मृत्यु है, और अधिकांश इन्होंने जो रिसर्च का काम किया है वो 1660 से 1680 इस दौरान किया है, 17वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में इन्होंने काम किया है। और लाइट के बारे में इनकी बड़ी पक्की धारणा थी कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स होती हैं, पहले से भी लोग कहा करते थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स हैं, इनकी बड़ी पक्की धारणा थी कि लाइट पार्टिकल्स होती हैं, क्योंकि इन्होंने जो न्यूटन के अपने तीन गति नियम और ये सब किए थे वो सब पार्टिकल्स के ही का सारा उसमें गणित है, तो पार्टिकल्स से इनको, कणों से इनको बड़ी आत्मीयता थी। तो प्रकाश जो होते हैं वो कण होते हैं, और ये कण होते हैं और वो बल लगाते हैं, उन पर बल लगता है, ये होता है वो होता है, उसी मॉडल में वो लेकर के चल रहे थे। तो ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं, क्योंकि सभी लोग उसके पहले वाले पार्टिकल्स ही लेकर के चलते हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी है, ऑप्टिक्स नाम है उस किताब का, और ऑप्टिक्स में जो ये हम लोग सी लिखते हैं, ये सी नहीं होकर के उन्होंने के लिखा हुआ है, उस किताब का नाम आप ढूंढोगे तो ऑप्टिक्स, हम लोग ऑप्टिक्स कैसे लिखते हैं, OPTICS, इनकी जो किताब है वो के से लिखी हुई है, हालांकि अंग्रेजी में किताब है, ओरिजिनल किताब अंग्रेजी में है इनकी। तो 1704 ईस्वी में उन्होंने उसको पब्लिश किया था, और पहला एडिशन, उसके बाद उसके तीन और एडिशन हुए हैं, आखिरी एडिशन, चौथा एडिशन कुछ 1700 इनकी मृत्यु के जस्ट बाद चौथा एडिशन आया है, 1727 में मृत्यु हुई उसी के बाद आया है उसका, उन्होंने लिख करके सब गए थे प्रेस में जाके छपना बाकी था जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसमें उन्होंने अपने लाइट से संबंधित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने किए और रिजल्ट्स निकाले, थ्योरी, वो सब इसके अंदर में लिखी हुई है। तो ये एक बड़ा नाम है। रोशनी का इतिहास अगर आप जानना चाहोगे, रोशनी की कहानी अगर आप कहना चाहोगे, तो सर आइजक न्यूटन एक बहुत बड़ा नाम है उसके अंदर में। ये केवल ग्रेविटेशन के लिए जाने जाते हैं और मोशन, लॉज ऑफ मोशन के लिए जाने जाते हैं, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, लेकिन ऑप्टिक्स में, लाइट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके बिना रोशनी की कहानी, रिसर्च की कथा नहीं हो सकती है, और वैसा ही इनके साथ भी है, वैसा ही इनके साथ भी है। ये हाइगेंस जो है, ये 1629 का इनका जन्म है, आसपास का ही है, उसी काफ़ी ओवरलैप है, और 1695 में इनकी मृत्यु हो गई, जल्दी ही मृत्यु हो गई इनकी। और ये इन्होंने पार्टिकल्स थ्योरी को, लाइट जो निकलती है बल्ब से वो पार्टिकल्स निकलते हैं, इसको नकारा, और इन्होंने स्ट्रांगली इस बात को सामने लाया कि नहीं, वो तरंगे होती हैं। तरंगे जानते हैं आप? वेव्स क्या होती हैं, क्या होती हैं? हाँ तुम, वो है तुम्हारा वेव, वेव वाला है, दिखाना जरा, दिखाना। तरंगों में क्या क्या खासियत होती है तरंगों में? वो कणों से कैसे अलग होते हैं? कणों में उनमें क्या अंतर होता है? हम अभी तुरंत आपको अंतर बताते हैं। ये देखो, ये दोनों भैया एक यंत्र लेकर के आए हैं, और आप क्या दिखाई दे रहा है इसमें, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? स्टिक्स हैं, और वो सारे स्टिक्स जो हैं सो पेस्ट की हुई हैं, सेलो, ये टेप है, एक दाहिने से टेप है, एक बाएं से टेप है, और सारी स्टिक उनके बीच में सटाई गई हैं। ओके, अब आप देखो, जहाँ पे हम कुछ करेंगे और हम जो यहाँ करेंगे वो वहाँ पहुँचेगा, यहाँ जो हम करेंगे वो वहाँ पहुँचेगा। तो आप देखना कुछ चल रहा है क्या, इसके ऊपर कुछ चल रहा है क्या, और चल रहा है तो किधर चल रहा है, आप अपनी तरफ से बताना कि बाएं से दाएं चल रहा है या दाहिने से बाएं चल रहा है। क्या देखा पहले, किधर से किधर चला?
और बाद में क्या चला? क्या चला? कहाँ है वेव? कहाँ है वेव जो चल रही थी? क्या चला? ये वाला स्टिक चला क्या? ये वाला स्टिक इधर से लेफ्ट टू राइट गया क्या और जाके वापस लौटा क्या? ये वाला स्टिक चला क्या? ये वाला स्टिक चला क्या? नहीं चला ना। क्या चला? क्या जा रहा है? क्या आ रहा है? बीच का पार्ट है वो। यहां से यहां कौन गया? यही तरंग का सबसे प्रमुख पार्ट है। यही तरंग का सबसे प्रमुख पार्ट है। क्या गया? तो हिलना, अपनी जगह से हिलना। आप इसको सोचो, इसी को आप समझो कि ये चीज है कोई, अपनी जगह से हिलना। तो अभी यहां पर ये काम हुआ, अपनी जगह से हिलना। देखो ये अपनी जगह से हिला, ठीक है। और जब ये ऐसे करे तो यहां पे वही काम हुआ, अपनी जगह से हिलना। ये करे तो यहां हुआ। तो अभी देखो, अभी कोई नहीं हिल रहा है, रोक लो सबको। अभी कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। और अपनी जगह से हिलना वो यहां पर लाया जा रहा है, इसको अपनी जगह से हिलाया जा रहा है। हिलाया, अब देखा तुमने, ये भी अपनी जगह से हिला, उसके बाद ये अपनी जगह से हिला, फिर ये अपनी जगह से हिला, हिला ना, फिर ये अपनी जगह से हिला। तो ये अपनी जगह से हिलना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो काम है, हाँ, वो काम यहां पहले हुआ, उसके कारण यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर वहां हुआ। तो कुछ यहां से वहां गया तो जरूर है, लेकिन मटेरियल नहीं गया है, पार्टिकल्स नहीं गए हैं। एक यहाँ पे एक डिस्टर्ब किया गया था, यहाँ एक कुछ हिलाया गया था, अपनी जगह से कुछ इसको हटाया गया था। वो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया यहाँ से वहाँ गई है और उसका असर होगा। जब यहाँ पर ये ऐसा कुछ होगा तो इसका असर यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ कुछ करके, यहाँ कुछ करके यहाँ असर ला रहे हो, है ये जो टेप है, ये टेप भी तो ऐसा टर्न हुआ ना, ये जब ये ऐसा आएगा तो टेबल यहाँ पर टर्न हो रहा है। तो हमने काम वहाँ किया, उसका असर यहाँ पड़ रहा है। तो वो वहाँ से काम करके उसके असर को यहाँ तक खींच करके लाना तरंग के माध्यम से हो रहा है, जिसमें सभी पार्टिकल अपनी अपनी जगह पर ही हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हिलते हैं, कोई बाएं से दाएं नहीं जाता, कोई दाहिने से बाएं नहीं जाता, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बाएं से दाएं जाता है और फिर दाएं से बाएं आता है। ये तरंग की गति है। और कणों की गति है कि हमने इसको उठाया और उठा करके फेंक दिया, तो ये यहाँ था, ये जो भी चीज़ हमको फेंकनी है वो यहाँ थी और यहाँ से पकड़ना भाई। हाँ बहुत अच्छे, गुड। तो ये पार्टिकल्स की गति हुई, ये कणों की गति हुई और ये तरंग की गति हुई, जिसमें सभी पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे हैं, फिर भी कुछ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रिश्चियन हाइगन साहब थे, इनका था कि जिस तरह से यहाँ गई है, जिस तरह से ध्वनि जाती है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो मेरे पास से चल के कुछ पार्टिकल्स आप तक नहीं पहुँच रहे। इस तरह का नहीं है जैसा अभी मैंने पार्टिकल्स फेंके थे। यहाँ पर जैसे यहाँ हमने अपनी जगह से इसको हिला दिया, वैसे यहाँ की हवा को हम हिला देते हैं, यहाँ की हवा वहाँ नहीं पहुँचती है। जो यहाँ की हवा है वो वहाँ नहीं पहुँचती है, लेकिन यहाँ की हवा को हिला दिया, ये हिलने की प्रक्रिया ये वहाँ पहुँचती है, वहाँ वाली हवा भी हिलने लगती है। यहाँ की हवा हिलाते हैं तो बाद में वहाँ की हवा भी हिलने लगती है, तो ध्वनि की तरंग जा रही है। इस हवा ने इस हवा को हिलाया, इस वाली हवा ने इस वाली हवा को हिलाया, इसने उसको हिलाया, उसने उसको हिलाया, करते करते ध्वनि यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई। तो न्यूटन का जहाँ था कि वो कण होते हैं, प्रकाश जो होता है वो पार्टिकल्स होते हैं, बल्ब से निकलते हैं और निकल के वो पार्टिकल्स बल्ब से निकल करके हमारे तक पहुंचते हैं तो हमें रोशनी मिलती है। क्रिश्चियन हाइगेंस का था, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, वो बल्ब से निकलते हैं तो वहाँ पर कुछ हिलाया डुलाया जाता है, वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता है और वो फिर आगे वाले को डिस्टर्ब करता है, वो फिर आगे वाले को डिस्टर्ब, वहाँ से चल कर यहाँ कुछ नहीं आता है, केवल उसका जो डिस्टर्बेंस की प्रक्रिया है वही केवल चल करके आती है। तो ये इन दोनों का मुख्य झगड़ा था।
और ये दोनों का झगड़ा ऐसे नहीं था जैसे अपने टीवी पर डिबेट होता है, हाँ? वैसा वाला झगड़ा नहीं था। दोनों दोनों जो होता है, जो दिखता है, उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, उसी की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे थे। अब सबको दिखता है कि अगर समतल दर्पण है तो रोशनी अगर आती है तो परावर्तित होकर के दूसरी तरफ जाती है, बराबर एंगल बना करके, आई बराबर आर बना के। क्यों जाती है? तो न्यूटन का एक हिसाब था कि वो पार्टिकल्स आते हैं, जैसे आप यहाँ पे बॉल फेंक दो तो बॉल दूसरी तरफ जाएगी, वैसे उसके लाइट के पार्टिकल्स आके गिरेंगे तो टकरा करके वो भी वैसे ही जाएंगे, तो कणों के आधार पर था। इनका तरंगों के आधार पर था। साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होती है? साउंड भी तो रिफ्लेक्ट होती है ना। अगर वो बिल्डिंग होती है और कहीं उधर कहीं बजता रहता है लाउड स्पीकर और हम उधर होते हैं तो हमें लगता है कि इस बिल्डिंग से आवाज आ रही है, तो वो साउंड भी तो रिफ्लेक्ट होती है। तो जिस तरह वो वेव की हो रही है तब रिफ्लेक्ट हो रही है, उसी तरह इनका था कि रोशनी भी जो है वो वेव से और वो रिफ्लेक्ट हो रही है। इन्होंने ये ऑप्टिक्स किताब लिखी थी, इन्होंने ये दूसरी किताब इन्होंने भी लिखी है क्रिश्चियंस ने, ये ट्रिटाइज ऑन लाइट है ना, ये लिखी हुई है, ये इन्होंने 1690 में लिखी है, पहला एक ही एडिशन लिखा है, उसके बाद इन्होंने ये लिखा है और बाद में इसके 4-5 और एडिशन हुए। चलो नेक्स्ट, न्यूटन की भी बात करें कि उन्होंने और क्या क्या किया, तो बहुत कुछ किया, बहुत बड़े विद्वान थे वो। लॉज ऑफ मोशन जो 3 बनाए, जो आज तक सभी बच्चों को परेशान करते हैं फिर ग्रेविटेशन का लॉ, ग्रेविटेशन का लॉ कि सबसे खास बात आप जानते क्या है? ग्रेविटेशन के लॉ का सबसे महत्वपूर्ण मजेदार क्या है? ग्रेविटेशन का लॉ ये पता है आपको? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 2 पार्टिकल्स अगर होते हैं उनमें मास होता है m1 m2 होता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि चंद्रमा जब धरती की परिक्रमा करता है तो धरती जो उसको खींचती है उसका जो रूल है, चंद्रमा को धरती खींचती है उसका भी रूल है। और जब हम कुछ चीज़ यहाँ गिराते हैं और ऐसे नीचे गिर जाता है, या पेड़ से कुछ टूट गया, सेब टूट गया और ज़मीन पर गिर गया, उसका जो रूल है वो दोनों एक ही रूल है, और वो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है। m1 m2 by r square उसी लॉ से चंद्रमा भी गवर्न होता है और उसी लॉ से पेड़ का सेब भी गवर्न होता है। ये न्यूटन की बहुत बड़ी खोज है, देन है। उसके पहले लोग समझते थे कि धरती से ऊपर जो है वो सब दैवी चीज़ें हैं, वो ईश्वरीय चीज़ें हैं, उनके रूल्स अलग होते हैं, और जो धरती वाली चीज़ें हैं वो उसके रूल्स अलग होते हैं, वो सब बड़े पवित्र हैं और धरती वाले जो हैं वो अशुद्ध हैं, इसीलिए वो भव सागर में सबको दुख झेलने पड़ते हैं क्योंकि हम अपवित्र स्थान पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, और जो एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं ईश्वरीय लोक में पहुंच जाते हैं वो, उनको कोई दुख नहीं होता। तो ये ग्रेविटेशन के नियम से पता चला, नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, उनका भी वही रूल लगता है जो हमारे को लगता है, यहाँ जो रूल लगता है वही रूल वहाँ भी लगता है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बहुत सारा गणित डेवलप किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप की। हाँ नेक्स्ट, उन्होंने एक किताब प्रिंसिपिया, पहली किताब उन्होंने प्रिंसिपिया लिखी है लैटिन भाषा में, और दूसरी किताब ऑप्टिक्स लिखी है इंग्लिश में। नेक्स्ट, हाँ ऑप्टिक्स में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, प्रिज्म पे, लेंस पे, मिरर पे, बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। और एक उनकी जो बड़ी खोज है कलर्स के बारे में, कि जो अपनी रोशनी आती है, जो सूरज से रोशनी आती है या बल्ब से रोशनी आती है या जो सामान्य सफ़ेद वाला टॉर्च होता है उससे रोशनी आती है, उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो 7 कलर्स होते हैं, और उसके भी आगे इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज ये है कि अलग अलग कण जो हैं जब किसी दूसरे मीडियम से गुजरते हैं, शीशे से गुजरते हैं, पानी से गुजरते हैं, तो अलग अलग अमाउंट में वो मुड़ते हैं। पता है आपको, जब रोशनी एक हवा से चलती है और पानी में घुसती है तो मुड़ती है क्या? सरफेस पे मुड़ जाती है ना, उसको क्या कहते हैं?
रिफ्रैक्शन कहते हैं उसको, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो कितने एंगल से मुड़ी, तो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट एंगल से मुड़ते हैं, ये इन्होंने किया। और वो बड़ी अच्छी किताब ऑप्टिक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इसके सारे वर्णन हैं। और उसमें इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया है, अरे वो है क्या प्रिज्म, है क्या प्रिज्म, हाँ, और एक वो लाल और नीला वाला कागज़ देना मुझे। तो इस ऑप्टिक्स जो किताब है उसके अंदर में उसका वर्णन है। और ये करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक कागज़ बनाया, हाँ, इस तरह का एक कागज़ बनाया, उसका एक साइड उन्होंने ब्लू पेंट कर दिया और दूसरा साइड उन्होंने रेड पेंट कर दिया। और उसके बाद इसको ऐसे नीचे रख दिया, ज़मीन पे या टेबल पे ऐसे रख दिया। उसके बाद पूरा कमरा बिल्कुल अंधेरा करके और खिड़की में एक छोटा छेद छोड़ा उन्होंने, हाँ, और उस छेद में से पर्दे वर्दे लगा दिए, एक छोटा छेद छोड़ा, बाकी सारा अंधेरा, उसमें से रोशनी को आके इस पर गिरने दिया, हाँ, एंगल पे गिरने दिया उसको रोशनी को। और वो खुद कहाँ खड़े हुए, तो जितने एंगल पर ये आके गिर रहा है उतने ही एंगल पे आकर के, और वो उतने यहाँ पर ऐसा खड़े हो गए ताकि वो परावर्तन के नियम के अनुसार वो आ जाए। और फिर उन्होंने ये प्रिज्म लिया और प्रिज्म के अंदर से होकर के उसको देखा, प्रिज्म के अंदर से होकर उसको लाल को और नीले को उन्होंने देखा, और प्रिज्म को घुमा घुमा ऐसा घुमा घुमा करके देखा कि हाँ कहाँ से दिखता है, अच्छा दिखता है, वगैरह वगैरह। और तब उन्होंने पाया कि यहाँ तो एक ही साथ है ना दोनों, एक ही साथ है, एक ही कागज़ है, लेकिन इसमें जब देखते हैं तो ब्लू वाला जो है वो ज़्यादा उठा हुआ नज़र आता है और रेड वाला कम उठा हुआ नज़र आता है, दोनों ऐसे अलग अलग नज़र आते हैं। तो वहाँ से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ब्लू लाइट जो होती है वो ज़्यादा मुड़ती है जब शीशे में से जाती है, और रेड लाइट जो होती है वो कम मुड़ती है जब शीशे में से जाती है। तो डिफरेंट कलर्स का जो मुड़ना है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो भी अलग अलग है। ये इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स का उन्होंने वर्णन किया है अपनी उस किताब के अंदर में, ऑप्टिक्स की किताब के अंदर। हाँ, ये फिगर उनकी किताब से डायरेक्ट मैंने फोटो मारा हुआ है। ये खिड़की है और इस खिड़की में से होकर के ये इनका ये कागज़ इन्होंने बनाया हुआ है, ये वाला ये कागज़ उन्होंने बनाया हुआ है, एक तरफ ब्लू और एक तरफ रेड, और फिर उसको ये शीशे में से ये आँख है देखो, प्रिज्म से होकर के इसको देख रहे हैं, और जैसा दिख रहा है वैसा उन्होंने चित्र बनाया है कि ब्लू वाला ज़्यादा उठ गया है ऊपर क्योंकि उसमें डेविएशन अधिक हुआ है, और ये जो है ये कम हुआ है, और जब प्रिज्म को उल्टा घुमाते हैं तो नीचे जाता है, तो ब्लू वाला ज़्यादा नीचे जाता है और रेड वाला कम नीचे जाता है। तो इस तरह के ढेरों एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कर करके और चीज़ें निकाली हुई हैं। हाँ, चल नेक्स्ट। और इसमें से गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप बनाया था तो उन्होंने लेंस लगाए थे। अभी भी टेलीस्कोप जो होते हैं इसमें साधारणतः लेंस होते हैं, एक आगे में लेंस होता है बड़ा और पीछे में लेंस होता है छोटा। तो न्यूटन ने कहा, विचार किया कि अगर आप लेंस लगाओगे तो फिर रोशनी को हवा से शीशे में आना पड़ेगा और शीशे से फिर वापस आएगी, तो सारे कलर्स अलग अलग ढंग से मुड़ते हैं, जो रोशनी आती है उसमें सभी कलर्स होते हैं, और जब शीशे से गुजरेंगी और निकलेंगी तो सब अलग अलग ढंग से मुड़ेंगे, अलग अलग ढंग से मुड़ेंगे तो आप जिसको देखना चाह रहे हो टेलीस्कोप से उसका इमेज अच्छा नहीं बन सकता है। तो उन्होंने स्वयं टेलीस्कोप का नया डिज़ाइन बनाया जिसमें लेंसेज नहीं लेके उन्होंने मिरर लिया, मिरर्स लिए, और ये वो डिज़ाइन है। अभी भी इस तरह के टेलीस्कोप जो हैं वो रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप कहलाते हैं और काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, अच्छे यूज़ किए जाते हैं। तो जिसको भी आपको देखना है उसको यहाँ मिरर से ले गए हैं और मिरर से रिफ्लेक्ट कराया है, यहाँ भी उन्होंने मिरर लगाया है और मिरर से रिफ्लेक्ट कराया है, और ये करा करके और वो उसको वॉच कर रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं ये इधर से रोशनी आ रही है और ये इससे रिफ्लेक्ट होकर के और इससे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आँख रख करके यहाँ से देखा जा रहा है उसको। तो लेंसेज की जगह उन्होंने मिरर्स लगाए, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। साइंटिस्ट ऐसे काम करते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं वो ये नहीं देखते कि किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब में क्या लिखा हुआ है, अगर किताब में क्या लिखा हुआ है उसको देखें
और उसको समझें, उसको याद करें और उसी के अनुसार काम करें, तो फिर विज्ञान कैसे करेंगे? नया विज्ञान कहाँ से आएगा, नई चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो वो स्वयं विचार करते हैं। जो किताबों में लिखा है वो अच्छी बात है, जितना ज्ञान पहले से था वो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हमें उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, नया ज्ञान पैदा करना है। अगर नया ज्ञान पैदा करना है तो हमें खुद को सोचना पड़ेगा। तो खुद से सोचना और काम करना, मेहनत करना, ये बनाने के लिए इस तरह का लेंस, इस तरह का मिरर बनाने के लिए खुद से वो किया करते थे, घिसा करते थे, घिस घिस करके और ऐसा कर्वेचर वगैरह बनाना, ये खुद से मेहनत करते थे और मेहनत कर करके उन्होंने इस तरह का टेलीस्कोप बनाया।